बहादुरी इस बंदे पे एंड है। हाँ तो भाई, क्या चल रहा है आजकल? ओ सॉरी, तो टिकटॉक पे क्या चल रहा है आजकल? अबे भाई, इमरान खान चल रहा है। हाँ तो अब टिकटॉक पर जन्नत मिर्जा, अली हैदराबादी और बाबा जी सियालकोट नहीं बल्कि इमरान खान के चर्चे हैं। दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग टिकटॉक ज्वाइन करने के बाद सेलिब्रिटी बनते हैं और खान साहब टिकटॉक ज्वाइन करने से पहले ही सेलिब्रिटी थे। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि अब मैदान में आओ, चैलेंज करता हूँ। शायद ये लाखों और करोड़ों फॉलोवर्स खान साहब के टिकटॉक ज्वाइन करने का इंतजार ही कर रहे थे। 48 घंटों के अंदर, मतलब के सिर्फ 2 दिन के अंदर 4 मिलियन प्लस फॉलोअर विद 150 मिलियन व्यूज और साथ में 5 मिलियन लाइक्स। भाई, इस अकाउंट के पीछे कोई रोबोट तो नहीं बैठी हुई? नहीं, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद 500 फॉलोअर बढ़ रहे। खान साहब ने टिकटॉक के सारे रिकॉर्ड पाश पाश कर दिए। बेचारे 6 सालों से टिकटॉक पर नाचने वाले एक दूसरे के मुंह देखते के देखते रह गए। खान साहब ने टिकटॉक के बाद पॉलिटिक्स और अब पॉलिटिक्स के बाद टिकटॉकर्स को जेर करने का बेड़ा उठा लिया है। खान साहब के टिकटॉक पर एक्टिव होने के बाद अब उनका मवाजना जन्नत मिर्जा से किया जा रहा है। मीडिया पार्ट फ्रॉम इमरान खान, शायद उनके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपसे ज्यादा है। इमरान खान से आई गेस सेम ही है। सेम ही है आपके इतने? ऊपर थोड़े नीचे, मेरे थोड़े ज्यादा होंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रुको जरा, सबर करो। लोग कहते नहीं है बिल्कुल भी, ये बातें करते नहीं कैमरे के सामने। मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ। बस हवा निकल गई। जन्नत मिर्जा जो कि 23 मिलियन फॉलोअर्स के बाद इस वक्त टिकटॉक पे लीडिंग कर रही, मगर जिस हिसाब से खान साहब के फॉलोअर बढ़े हैं, अब तो लग रहा कि सिर्फ 15 दिन के अंदर इसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो मजे की बात खान के लिए के बात अब जरदारी और नवाज से होती हुई जन्नत मिर्जा तक आ चुकी है। मतलब कि यार, पीटीआई के सपोर्टर्स का अजीब ही माइंडसेट है। एक पॉलिटिकल लीडर का कंपेयर एक टिकटॉकर डांसर से कर रहे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और खान साहब के सपोर्टर्स ने तो खान साहब और जन्नत मिर्जा की एस्थेटिक्स वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। लड़ाई हो जाएगी इमरान खान से बात हो तो। और ट्विटर के ऊपर भी कल से ट्रेंडिंग के अंदर टिकटॉक और जन्नत मिर्जा रहे। तो अब बात कर ली जाए खान साहब के मुखालफीन सपोर्टर्स की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो इस बात को ब्लेम कर रहे कि ये फॉलोअर्स और व्यूज फेक और पेड हैं, और इस चीज का एविडेंस वो इस अकाउंट से दे रहे जिसके अंदर इस साहब ने तमाम के तमाम व्यूज खरीदे हुए हैं। जिस हिसाब से खान साहब टिकटॉक पर फेमस हुए हैं, फेक और रियल की बातें एक साइड पर, मगर इस चीज ने पीटीआई की सोशल मीडिया पावर सबके सामने रिवेल कर दी है। अगर पाकिस्तान की तमाम दूसरी पार्टीज के सोशल मीडिया को मिला लिया जाए तो वो पीटीआई के मुकाबले में 20% भी नहीं बनते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस पार्टी के कारकुनान की अपने लीडर के साथ इमोशंस और एक्सप्रेशंस काबिले दीद हैं, और क्या ही ऑर्गेनाइज तरीके से इनका मीडिया सेल बनाया गया है। आखिरकार मुझे भी इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी से इम्प्रेस होकर इनके हक में वीडियो बनाना पड़ी।
भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? पीटीआई की सोशल मीडिया टीम वाकई दाद की मुस्तहिक है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा तो खान साहब 4 मिलियन से भी क्रॉस कर चुके और अगले 2 दिन के अंदर 7 से 8 मिलियन हो जाएंगे और 1 वीक के अंदर लग रहा कि 10 मिलियन भी क्रॉस कर लेंगे। तो 15 दिनों के अंदर जन्नत मिर्जा का रिकॉर्ड गया भाड़ में। तो जिस तरह से आप लोगों ने खान साहब के अकाउंट को फॉलो किया है, इसी तरह से हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके अपने व्हाट्सएप मैसेंजर और सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अप्रिशिएटिंग वीडियो बनाई है। तो आज के लिए इतना ही था, जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।